शहर की कानून व्यवस्था का जायजा लेने नगर निरीक्षक अचानक रात में शहर में निकले और अव्यवस्था को लेकर दुकानदारों को समझाइश के साथ सड़क पर खड़े हुए वाहनों पर सख्ती दिखाई। लंबे अरसे के बाद मुख्यालय की कोतवाली के नगर निरीक्षक बीती रात शहर की सड़कों पर अचानक निकल पड़े, जिसके चलते नगरवासियों में उम्मीद जागी है कि अब नगर की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। भ्रमण में निकले कोतवाली के नए नगर निरीक्षक डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ने सड़क में अव्यवस्थित दुकानों और फैले हुए सामान को लेकर दुकानदारों को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि आगे से सड़क पर किसी का भी सामान बिखरा न रहे, जिससे आम आदमी को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए। पुलिस के इस कार्य से एक ओर जहां सड़कों को जाम से मुक्त कराया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर अचानक होने वाली घटनाओं पर भी रोक लग सकेगी। देखिए, अपने हिंदू देवी देवताओं के पवित्र त्यौहार नवरात्र चल रहा है, उस वजह से शहर में भीड़ भाड़ होने से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय मरिया द्वारा निर्देशित किया गया कि शाम के अपने थाने का ज़्यादा से ज़्यादा बल लेकर पैदल भ्रमण करें, लोगों को समझाइश दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मास्क लगा कर चलें। जो जगह जगह दुकानदार हैं, रोड पे अक्सर सामान रख लिया करते हैं, तो इन सब निर्देश दिए गए निर्देश के पालन में मेरे द्वारा आज अपने लगभग 20-25 स्टाफ के साथ मिलके उमरिया शहर गांधी चौक से लेके और थाना परिसर से लेके और आगे पुराने बस स्टैंड तक भ्रमण किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।